जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो मैं यहाँ प्यारा सा मंदिर दिखा रही हूँ भाभी का, और अभी नहीं भाभी ने लकड़ी का मंदिर बनवाया है। सो कितने प्यारे से भोले बाबा बैठे हुए हैं भगवान जी। सो आज भी हमने विष्णु भगवान का भोग लगाया, आप देख सकते हैं। और सुबह सुबह से उधर आपको कितनी मतलब आवाज़ें आ रही होंगी, सुबह सुबह से यहाँ गाने हो रहे हैं और मठली लडली बन रही है। तो चलिए सबसे मिलाती हूँ आप लोगों। तो मंदिर के दर्शन मैंने करा दिया और आप लोगों ने सुना कैसे ही बरुआ हो रहा है। तो चलिए सबके साथ मिलते हैं। मठली और लडली बन रही है तो हम लोग भी सब लोग लगते हैं मठली लडली बनवाने में। और रानी आज कहीं गई हुई है, वहाँ पर किसी ने सुहगली कोई खिला रहा है, मतलब गांव में कोई मतलब, तो वहाँ पर रानी सुहगली खाने गई है और सभी लोग मठली लडली के साथ लगी हुई है। तो आप देख सकती हैं कितनी तेज तेज से गा रही है, सुन रही है। देखिए ये देखिए सब मठली लडली बन रही है। अभी मैं बहुत बारीकी से आपको दिखा रही हूँ कि मठली लडली कैसे बना रही है। तो सभी भाभी बैठी हुई है और सब लोग लग गए हैं मठली लडली, और कितना तेज और तेज तेज से गा रही है, बहुत अच्छा। और हमारी बुआ जी भी आ गई है, आप देख रहे हैं। ये हमारी बुआ देखिए, ये हमारी बुआ जी आई हुई है। तो आप देख सकते हैं बुआ जी को। और ये हमारी भाभी मतलब भाभी जी है, तो ऐसे ही गा रही है, बहुत ही अच्छे गाने सुन रही है। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से ये गोंठ रही हैं। सो देखिए भाभी हमारी कितने अच्छे से, इनको बोलते हैं मठली लडुली। सो हमारे यहाँ बनती है जिस दिन लड़के की भीखी पड़ती है उसी दिन ये पूजा में रखी जाती है। सो आप देख सकते हैं सभी लोग लगी हुई हैं, देखिए सब भाभी लोग। अब गाना इनके बंद हो गए हैं, गाना हम नहीं गा रही हैं। और बहुत अच्छे से ऐसे मठली लडुली बनती है। तो चलिए बाप से बाद में मिलते हैं। Bye.
बज रहे हैं, लेकिन अभी तक मठुली लड़ुली पूरी कंप्लीट नहीं हुई। सो आप लोग देख सकते हैं सभी लोग किस तरह लगी हुई है। और बुआ जी भी बैठी हुई है, ये हमारी है बुआ जी, ये बैठी हुई है। सो सब लोग लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी सारी बनी हुई है। आपको दिखाती हूँ कि अभी तो मतलब बन भी रही है और इतनी सारी बन भी गई है, देख रहे हैं। एक चारपाई, दो चारपाई में ऐसे कपड़ा डाल करके ही सो डाला जाता है और ये सूख रही है और शाम तक ही इनको निकाला जाएगा, रिफाइंड से नहीं कड़वे तेल से निकालते। सो आप देख सकते हैं इतनी सारी बन गई और सुबह से बनते बनते अभी तक यहाँ सब बन रहा है। और किसी मतलब सब लोग खाना भी नहीं अभी पूरी तरह से खाए हैं, कुछ लोग खा रहे हैं कुछ लोग नहीं खाए हैं। सो देखिए शाम तक कितनी टाइम तक बनता है। तो चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से। हमारी भाभी जी लगी हुई है खाना निकालने में, देख सकते हैं कितनी अच्छी मेथी और आलू की सब्जी बनाई, वाह बहुत टेस्टी, और खाना हम लोगों के लिए निकल रहा है। सो आप हमारी भाभी की बहन है, सो सुबह से खाना पीना में लगी थी और बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। तो चलिए आप लोग भी आइए, खाना खाते हैं सब लोग मिल करके। सो चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से। ये देखिए आप लोगों को दिखा रहे रानी कितनी कामकाजी हो गई है। सो यहाँ देखिए कितने अच्छे से पर्दे वर्दे लगा रही है, जैसे अपने घर में मेंटेन कर रखती है ना वैसे यहाँ भी लगी हुई है, काम पे लगी हुई है। सो अभी टाइम कितना हो रहा है, रानी से तो मिल ली है, रानी पर्दा वर्दा लगा करके और मंगन है रानी पर्दा हाथ में। और ये हमारी प्यारी सी बहन सो आई हुई थी तो हमसे मिलने आई हुई है, और ये रहती इलाहाबाद में और गांव में जहां मैं अभी जागरण कराई हूँ अपने महामाया भवन में। सो इनकी ससुराल और हमारी ससुराल बिल्कुल पास पास में है, पड़ोसन है और यहाँ से भी हम लोगों से बहुत ही बचपन से बहुत एकता बहुत प्यार। सो मैं तो नहीं गई थी घर, लेकिन रानी गई थी आज सुहगली खाने। सो मैंने सुबह तो आप लोगों से बताया था, तो रानी गई थी तो रानी ने बताया कि दीदी भी आई हुई है, तो हम तो नहीं जा पाए थे, लेकिन हमसे मिलने रानी आई हुई है और हम काफी समय से बैठे हुए हैं साथ में, पूरा 1.5 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं साथ में बातें कर रहे हैं और चाय नाश्ता भी हम लोगों का हो गया और अब रानी जा रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों से मिला देती हूँ, तो चलिए बाद में मिलते हैं, अब रानी को भेजते हैं क्योंकि शाम हो रही है ना, अभी इसको जाना भी है, काफ़ी दूर जाना है। सो काफ़ी दूर नहीं है, मतलब 5-10 मिनट का तो रास्ता है ही है, तो चलिए बाद में मिलते हैं आप लोगों से। सुबह से शाम हो गए और रानी गई, अब टाइम हो रहा 6 बज रहे हैं और अभी भी कुछ लोग आ गए हैं। सो अब जा रही है लडली मडली चूल्हे में भाभी लोग निकालने जा रही है, सो लेके गाना भी गा रही है, अभी भी गाना चल रहा है और सुबह से ही ऐसे ही गाने बराबर चलते रहे हैं। सो आप देख सकते हैं, और चलिए मिलाती हूँ भाभी लोग कैसे मडली लडली को कैसे चूल्हे पे निकालती है। तो सुबह से पता है टाइम तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, कैसे शाम हो गई, मौज मस्ती करते करते तो बिल्कुल टाइम से, लेकिन देखिए टाइम टाइम से आप लोगों से भी बात करती जा रही हूँ। सो चलिए सबको दिखाती हूँ, तो अब ये सब लोग लगी हुई हैं और अभी भी यहाँ थोड़ा उजाला है। सो देख सकते हैं और सब लोग लग गए हैं, ये देखिए ये भाभी लोगों ने कढ़ैया रख लिया और ये गाने भी हो रहे हैं यहाँ पे।
वाली, इनकी गनवाई लगता है बहुत लंबी है, खत्म होने वाली नहीं है। अब भाभी लोग चूल्हे में निकाल भी रही है, सब कुछ मतलब जल गया और लड्डू मठुली निकलने लगे, तो ये सब कुछ अच्छा लगे और इनका गाना बजाना अच्छा लगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की। लाली गाय के लाली बछोरना का गाना गा रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।